बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी अप। क्या हाल है व्यूअर्स, ठीक ठाक हैं? आज ब्यूटी अप में मैं बड़ा अच्छा आपके लिए एक फेस मास्क लेकर आई हूँ। आज का वेदर चौंके थोड़ा सा गंदा है, इसमें स्वेटिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है और कुछ नमी वाला वेदर है, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर बहुत से प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, जिनमें से एक प्रॉब्लम का हल ये मेरा फेस मास्क है। जी हाँ, ये बड़ा अच्छा फेस मास्क है। आप इसको बनाएंगे, अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट खुद पता चलेगा कि ये कितना जबरदस्त है, कितना मजे का है। ये आपकी स्किन के ऊपर जितने रिंकल्स हैं, जितने स्पॉट्स हैं, उनको दूर करेगा और आपकी स्किन को एक बड़ा जबरदस्त सा खूबसूरत सा लुक देगा। आपकी स्किन बहुत चमकदार हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। इस मास्क का मकसद स्किन को बहुत ज्यादा यूथफुल और जवान नजर आना है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की रेमेडी। ये आज की रेमेडी में मेरे पास यहाँ पर व्यूअर्स है एक पचाटो, मैंने उसको अच्छे तरीके से कर लिया है कद्दूकश। ये देखिए पचाटो बड़ी जल्दी आपको पता है रंग बदलता है। उसके बाद व्यूअर्स मेरे पास है सेकंड में योगर्ट थोड़ा सा, ये देखिए 2 से 3 चम्मच दही है। थर्ड में मेरे पास है राइस फ्लोर, बेकिंग पाउडर, ये देखिए मैंने न्यू पैकेट मंगवा कर इसको खोल के रखा है। और लास्ट में मेरे पास है यहाँ पर ग्लासरीन, ग्लासरीन जो कि हमारी अक्सर रेमेडीज में यूज किया जाता है, इसकी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए ग्लासरीन तो दी बेस्ट है। तो आई व्यूअर्स शुरू करते हैं अपनी आज की रेमेडी। आज की रेमेडी में सबसे पहले पचाटो जो है 1 चम्मच मुझे पचाटो जो है उसको डालना है योगर्ट के अंदर। ये देखिए इस तरह पचाटो को मैंने योगर्ट के अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। व्यूअर्स अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त है, एक बारीक सा आपको रनी फॉर्म में पेस्ट मिले, तो आप इसको इस तरह इसमें डालकर, जैसे मैं सारी इंग्रेडिएंट मिक्स कर रही हूँ, इस तरह आप मिक्स करके इनको मिक्सी के अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मशीन को चलाएंगे तो ये बिल्कुल बारीक सा एक लिक्विड फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, जो कि थोड़ा रनी होगा। आप उसको जार में सेव कर सकते हैं फ्रिज के अंदर और उसको 1 वीक तक यूज कर सकते हैं। जी बस, तो मैं आपको बता रही थी कि आपने पचाटो को यानी आलू को कट करके उसके पीसीस करके बारीक उसको अच्छे तरीके से, तो उसको आपने इसके अंदर दही के अंदर मिक्स करना है। दही में गोरा चिट्टा करने की खासियत पाई जाती है और जो पचाचो होते हैं ये दाग दबे साफ करने का बहुत बड़ा खजाना होता है इसके अंदर। ये मिनटों में आपके आईज के जो डार्क स्पॉट्स है, डार्क सर्कल्स है, उनको खत्म कर देता है तेजी से। आए थर्ड में मैं बताती हूँ, थर्ड में हम इसके अंदर डालेंगे एक और चीज जो कि हमारी बहुत ही जबरदस्त स्किन के लिए, वो है राइस फ्लोर, जो स्किन की बहुत ज्यादा केयर करता है, निगहदाश्त करता है, स्किन को खूबसूरत सा लुक देता है और चमकदार बनाता है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। जी हाँ, बेकिंग पाउडर बहुत ज़बरदस्त होता है ये भी स्किन के लिए। ये देखिए मुझे 1 पिंच बेकिंग पाउडर चाहिए, ज़्यादा नहीं डालना, आपने सिर्फ 1 पिंच डालना है। उसके बाद आप डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा ग्लासरीन, 1 चम्मच ग्लासरीन आप डाल दें इसके अंदर। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए सारे इंग्रीडियंट इसके अंदर मैंने डाल दिए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा फेस पैक रेडी हो रहा है। आपने इसको किस तरह अप्लाई करना है मैं आपको बताऊँगी। इसको मिक्स करने के बाद आपने थोड़ी देर इसको मिक्स करना है ताकि जो पोटैटो है उसका जूस जो है, उसका असर जो है जूस है, वो अच्छे तरीके से उसमें दही में आ जाए। एक दफा आप लगाएं फिर असर देखिएगा, कितना प्यारा आपको रिजल्ट मिलेगा ये आपको अप्लाई करने के बाद पता चलेगा। जी वैसे देखिए हमारा फेस मास्क रेडी हो गया, आज इसको अप्लाई करते हैं। आपने इसको रेडी करने के बाद अपने हैंड की मदद से, अपने फिंगर टिप की मदद से इस तरह थोड़ा सा इसको मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसको अपने फेस के ऊपर इस तरह लगाना है। आपने इस तरह लगाना है कि आपने जो पोटैटो के पल्प हैं ये भी आपने फेस के ऊपर रखने हैं। योगर्ट जो आपके स्किन में एब्जॉर्ब होगा, पोटैटो का जूस होगा, वो भी आपके स्किन के अंदर लगेगा, तो तभी आपको अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। जी बस, मैंने पूरी हैंड स्प्रेड कर दिया, मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ूंगी। जी बस, मैं अपने हैंड को वॉश करके दिखाती हूँ आपको। जी बस, तो देखिए मैंने अपने हैंड को वॉश कर दिया, मैं इसको ड्राई कर रही हूँ। ये देखिए भी टिश्यू की मदद से आप इसको साफ कर लें। ये देखिए मेरे हैंड का रिजल्ट चेक करें आप, किस कदर खूबसूरत आया। जी व्यूअर्स, तो देखिए फाइनल रिजल्ट देखिए कितना अच्छा है, मेरे हाथ की स्किन बहुत खूबसूरत हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसके इस्तेमाल के बाद आपकी स्किन बहुत ज्यादा खूबसूरत साफ सुथरी है। ये बहुत ही अच्छा मास्क है, आप इसको प्लीज जरूर बनाइएगा और अप्लाई कीजिएगा अपनी स्किन पे और मुझे रिजल्ट से बताइएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की रेमेडी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने चाहने वालों में, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर किया कीजिए ताकि घर बैठे सबका फायदा हो। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी और डिफरेंट रेमेडी के साथ फिर आऊँगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में अपने साथ दोस्तों को भी याद रखा करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।